पानी की टंकी बनी हुई खड़ी है विगत 3 वर्ष में, लेकिन आज तक एक बूंद पानी यहाँ पर हमारी वार्ड की जनता को नहीं मिला। पानी की समस्या, जबलपुर के वार्ड नंबर 41 संजय गांधी वार्ड में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बड़ी मेहनताओं के बाद अगर टैंकर भी आते हैं तो उस पानी से बदबू आती है, जिसको लोग नहाने धोने के काम में लेते हैं। पीने के लिए आज भी पुराने रिवाजों के तहत 5 से 6 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाने को मजबूर है। नगर निगम स्मार्ट सिटी की जनता वरिष्ठ समाज सेवी कलीम बेग ने बताया कि कई बार हम लोगों ने कलेक्ट्रेट एवं नगर निगम कार्यालय में धरना दे चुके हैं। हर बार हमें आश्वासन ही मिलता है कि 10 से 15 दिन में टंकी चालू हो जाएगी, लेकिन विगत 2 वर्षों से नगर निगम के लाचार कार्यशैली के चलते आज भी टंकी चालू नहीं हो पाई है और यहाँ के रहने वाले पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। देखिए जबलपुर के वरिष्ठ समाज सेवी कलीम बेग ने क्या कहा। हमारी रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। करते थे बचपने से कि चिराग तले अंधेरा, आज वो हमारे वार्ड में देखने को मिल रहा है कि पानी की टंकी बनी हुई खड़ी है विगत 3 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी यहाँ पर हमारे वार्ड की जनता को नहीं मिला। माननीय विधायक श्री लखन गंगोरिया जी के साथ लगभग 4 से 5 बार पूरी क्षेत्र की जनता ने नगर निगम प्रशासन को अवगत कराने के लिए घेराव किया। हमेशा आश्वासन मिला कि बस 10 से 15 दिन में आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। अभी तक ये स्थिति है कि इस टंकी को भरने के लिए जो है वो लाइन भी नहीं डाली गई। पिछले ईद के एक दिन पहले सोमवार से काम स्टार्ट हुआ था, एक दिन खुदाई हुई और उसके बाद ना ठेकेदार का पता है और ना लेबर का। हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या ये वार्ड जबलपुर शहर के उन 79 वार्डों से अलग है। हम लोगों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है, आज तक कोई अधिकारी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। माननीय कमलेश श्रीवास्तव जी जो कार्यपालन यंत्री है और जो टैंकर शाखा के प्रभारी हैं नीलेश साहू जी, उनको बार बार अवगत कराया जा रहा है, उनसे बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप इस क्षेत्र में आएं और यहाँ के लोगों की समस्या को देखें। एक परिवार में जहाँ 6 से 7 लोग निवास करते हैं 10 डिब्बे पानी उनको मिल रहा है। 10 डिब्बे पानी इस भीषण गर्मी में क्या होगा, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप एसी में बैठे हुए हैं, आपके घरों में जो 4-4 नल लगे हुए हैं, यदि उन नलों को हम लोग काट दें, यहाँ की जनता आके आपके नलों को काट दे, तब आप जागेंगे कि पानी क्या होता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे क्षेत्र की जनता 24-24 घंटे पानी के लिए इंतजार करती है कि टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा। पता चलता है टैंकर आया तो खराब पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, सुबह से शाम हो जाती है टैंकर नहीं आ पाते, गाड़ी खराब हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ समस्या है। निगम प्रशासन को बार बार हम लोगों ने चिताया है, जबकि हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा स्वयं के मद से स्वयं के खर्च से 2 टैंकर पानी, 2 गाड़ियां चल रही जिससे 20 टैंकर पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे कुछ लोगों को राहत मिल जाती है, नहीं तो यहाँ पर और बुरी स्थिति हो। अब तो ये समय आ गया है कि किसी दिन कोई बड़ी घटना ना घट जाए। पानी के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जबलपुर शहर में, एक नाली के पीछे 14-14 मर्डर हुए हैं, ये भी सबको मालूम है, तो पानी के पीछे भी ऐसा कुछ ना हो। इसके पहले निगम प्रशासन से अपील है कि वो चेत जाए, जाग जाए और इस टंकी को चालू कर दे, अन्यथा हम लोग निगम प्रशासन की ईंट सीट बजा देंगे। उसका जो भी नुकसान, जो भी चीजें होंगी, सारी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। आपका नाम? कलीम खान। कौन सा वार्ड है ये? कौन सा? संजय गांधी वार्ड 41। पानी की हम लोग को पानी की समस्या है, टैंक से पानी नहीं मिलता है, पीला पीला पानी आता है, अच्छा पानी नहीं मिलता है, यानी पीने की पानी की समस्या है। हाँ। ये टंकी बनी हुई है, कितने वर्षों से बनी है और क्यों चालू नहीं? साल हो गए अभी तक चालू नहीं। आप लोगों ने शिकायत की कभी? हाँ, करें ना। क्या बोलते हैं? चालू होने वाली है, चालू होने वाली है, बस ये तो बोलते हैं। चार जगह कलेक्टर गए, ये कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? पानी चाहिए हमको, अच्छा साफ पानी चाहिए पीने वाला। नाम बताइए।